नगर पालिका परिषद की बैठक में पेयजल की समस्या पर पार्षदों ने जताई नाराजगी। रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिक्रमण को लेकर सौंपा ज्ञापन। 21 गांवों से निकलेगी ग्राम मंगल पदयात्रा, श्री विष्णु धाम हीरापुर में होगा समापन। नगर पालिका बालाघाट के सभागार में सोमवार को परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क, नाली व नल जल योजना सहित करीब 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, जिसमें सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर लिए गए हैं। बैठक में प्रमुख रूप से नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, प्रभारी नगरपालिका सीएमओ बीएल लल्हारे, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि शफकत खान सहित नगरपालिका सभापति व पार्षदगण मौजूद रहे। इस बैठक में शहर में 38 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत किए गए पेयजल आपूर्ति के कार्यों का मामला जोरों पर रहा। ठेकेदार द्वारा इस कार्य में की गई लापरवाही व देरी से पार्षदों ने नाराजगी जताई। जिस तरीके से परिषद में प्रस्ताव आए थे कि टैक्स से संबंधित प्रस्ताव आए थे, तो जो जनता के हित में था उसको परिषद ने जनता के पक्ष में निर्णय लिया। नवीन जल आवर्धन योजना जो अभी चालू है उसी के संबंध में सम्मानित सभी पार्षदों ने बात रखी है, और जिस तरीके से नए फिल्टर प्लांट की जो आप बात कर रहे हैं वो अभी कार्य करने में है, शुरू है, उसमें प्रगति पे चालू है, शहर में जनता को उससे पानी मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11-12 बूढ़ी में नगरपालिका अमले द्वारा अवंतीबाई चौक से बूढ़ी आईटीआई मार्ग में नाप जोक कर अतिक्रमण हटाने, जगह चिन्हित कर लाल निशान लगाया गया, जिससे सोमवार को इन वार्डों के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। वार्डवासियों का कहना है कि पूर्व में उन्होंने नगर पालिका से अनुमति लेकर अपना भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया था। कि बूढ़ी में रास्ता बंद है और इससे चौड़ीकरण के कारण कईयों के पूरे पूरे मकान, आधे आधे मकान से अधिक उन लोग के टूट रहे हैं, और हर व्यक्ति ने अपना मकान पहले से बनाया। भाई पहले से बनाने के बाद जब नक्शा पास होता है, सब कुछ होता है, कोई अलग से जमीन पे नहीं बनाया गया, और इतने दिनों से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अभी गरीबों का घर क्यों उजाड़ रहे हैं? जब आप किसी को बना के दे नहीं सकते तो उजाड़ने का भी अधिकार गवर्नमेंट प्रशासन के द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है ना अतिक्रमण के नाम पे, अब हम प्रशासन को पूरी तरह गलत नहीं बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब मकान की एक प्रक्रिया होती है बनने की, नक्शा पास किया जाता है, तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि मकान कहाँ से बन रहा है आके जांच की जाए, और जो बन चुके हैं उन पे मैं तरस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए नुकसान किसी का ना हो ऐसा मेरा निवेदन। जिले में बसंत पंचमी 14 फरवरी को श्री विष्णु धाम ग्राम मंगल पदयात्रा समिति द्वारा ग्राम मंगल पदयात्रा सुबह करीब 8 बजे 6 केंद्रों से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में 21 गांवों को शामिल किया गया है। धर्म जागरण समिति संयोजक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य अपनी सनातन संस्कृति से जुड़कर धार्मिक अनुष्ठान, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम संकल्पना, ग्राम विकास, गौ सेवा, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता सहित अन्य उद्देश्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ग्राम मंगल पदयात्रा जो विगत वर्ष हमने 2023 में प्रारंभ की थी, आज उस यात्रा का दूसरा वर्ष है। 2024 में हम इस यात्रा के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए। इस यात्रा का उद्देश्य जो पिछले वर्ष हमने तय किया था, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के फिर से एक बार हम इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि समाज के बीच में हम सब काम करते हैं। पिछले वर्ष हम 13 गाँव तक पहुँच पाए थे, और एक वर्ष तक के हमने सभी गाँव में बैठना चालू किया, तो 21 गाँव को इस बार हमने सम्मिलित किया। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक गाँव हम इसमें जोड़ सके और ये जागरण प्रत्येक गाँव में पहुंच सके, इस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा अपने दूसरे वर्ष में कर। नगर परिषद लांजी के सीएमओ की कार्यप्रणाली से नाराज 11 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएमओ को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पार्षदों ने बताया है कि सीएमओ के द्वारा ना ही बैठक ली जाती है, ना ही लांजी के बाजार की कोई नीलामी हो रही है, जिससे नगर परिषद को राजस्व भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे नगर में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र सीएमओ को नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कि हमने 9 फरवरी 2024 को सामान्य सभा की बैठक में निंदा प्रस्ताव रखा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राजीव लोचन कटारे जी को लेकर,
और जिसे हमारे अध्यक्ष महोदया ने लिपिबद्ध करने से मना कर दिया है और उसी की प्रतिलिपि देने के लिए आज हम कलेक्टर कार्यालय उपस्थित किए थे। अगर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम हमने आज कलेक्टर साहब को पत्र दिया, अपने पत्र में हमने उल्लिखित भी किया है कि अगर से जल्द CMO साहब को नहीं हटाया जाता है तो उसके परिपक्ष में हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। मोबाइल चलाने का शौक आज एक बालक के लिए उसकी जान का दुश्मन बन गया। बैलगाड़ी से धान की मसनी यानी गहानी करते समय बैल की रस्सी, जिसे गांव की भाषा में कासरा कहा जाता है, गले में लपेट मोबाइल चला रहा था। तभी कुत्ते के भौंकने पर बैल अनियंत्रित होकर भागने से बालक की बैलगाड़ी से गिर गया, जिससे गले में रस्सी फंस गई, जो बैल के साथ काफ़ी दूर तक घिसटते गया, जिससे वह बेहोश हो गया और उसके श्वास नली भी दब गई। बालक श्याम सिंह ध्रुवे 14 वर्ष निवासी पांड्या छपारा को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी हालत गंभीर देख उपचार कर उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया है। रस्सी जब लपेटते लपेटते गले में पूरी फंस गई तो वो रस्सी ने आखिरी में फिर क्या होता है, नेचुरली ये फांसी का काम कर डाली, उसके गले में फांसी का काम कर डाली और बच्चा जो है खिसता चला गया और रस्सी ने उसको फांसी का काम कर डाली। मोबाइल फोन का बच्चों के लिए कम से कम इस्तेमाल करें और बड़े लोग भी मोबाइल को अपनी ज़िंदगी को पहले असेस कर लें कि ज़िंदगी कितने में खतरे में पड़ सकती है, तभी मोबाइल पे उनका इस्तेमाल करें। और बच्चों को तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कभी भी गाड़ी चलाते वक्त, कोई काम करते वक्त, घर में किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना होने की संभावना रहती है, मोबाइल फोन ना दें। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छात्र संघ समिति द्वारा 12 फरवरी को यूथ मेले का आयोजन स्थानीय नूतन कला निकेतन के सभागार में किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस उपस्थित रहे। इस संबंध में छात्र संघ समिति संरक्षक राहुल सिंह बैस ने बताया कि इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान जिले के दानवीर परिवार का सम्मान किया गया, जिसके तहत सम्राट सिंह सरस्वार का अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिले के महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारा मुख्यतः सालाना हमारा छात्रों का जो नए छात्र हैं उनके वेलकम पार्टी रहती है और जो पुराने छात्र जो हैं जो कॉलेज से विदा होते रहते हैं उनका फेयरवेल रहता है। तो ये कार्यक्रम हम हर साल फरवरी और मार्च के बीच में करते हैं। इसके साथ ही साथ आज जो हम हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इसके साथ ही साथ बालाघाट जिले के जो दानवीर सबसे बड़ा दानवीर परिवार है, सम्माननीय सम्राट सिंह सरस्वार जी का, आज हमने उनके परिवार द्वारा की गई बालाघाट जिले को दी गई दान में सौगातों का हमने एक अभिनंदन पत्र बना के उनको प्रेषित किया कि उनका परिवार आगे भी बालाघाट जिले के लिए ऐसे ही दान करते रहे और लोगों का कल्याण करते रहे। लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नीलजी के समीप से गुजरी वैनगंगा बड़ी नहर के पुलिया के पास 12 फरवरी को सुबह धरपीवाड़ा निवासी 35 वर्षीय राजकुमार टेम्भरे का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त धरपीवाड़ा निवासी राजकुमार टेम्भरे के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार टेम्भरे सोमवार को सुबह मवेशी चराने बड़ी नहर की ओर गया था, जो अनियंत्रित हो गया और नहर में डूब जाने से उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे आए तो देखे तो वो लाश थी, उसके बाद में फिर पुलिस को बताए, फोन करे, आई पुलिस। हमारे गांव का ही व्यक्ति है, सरपंच अपने नीलजी में फिरोज भाई ने बताया कि कहीं का अज्ञात व्यक्ति है और मेरे को जैसे ग्रुप में डाले फोटो, तो हमारे गाँव का राजकुमार टेम्भरे नाम है इनका।